भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSSLV-D1 का प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। SSSLV-D1 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-02 और एक अन्य लघु उपग्रह आजादी सेट पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। आजादी सेट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आजादी सेट में 75 पे लोड लगे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं की इस उपग्रह को बनाने में महती भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की छात्राओं ने भी इस परियोजना में अपनी भागीदारी निभाई है। आशीबाई गोलचा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने इस सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस परियोजना का हिस्सा बनकर सभी गौरवान्वित हैं। छात्राओं ने कहा कि भविष्य में यदि अवसर मिला तो इससे बेहतर कार्य करेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है और हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने हमारे देश के लिए ये योगदान दिया है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हमारे सभी दोस्तों को और हमारे सभी गुरुजनों को और सालों को बहुत ही खुशी अनुभव महसूस हो रहा है कि हमें जो हमें उपग्रह सैटेलाइट का उसका उसमें सफलता प्राप्त हुई है। स्कूल के प्राचार्य गोविंदराम सिन्हा ने कहा कि इसरो की परियोजना में जिले की छात्राओं की भागीदारी से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। उसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने उस जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें इनका वो छोटा सा योगदान क्यों न सही, ये बच्चों के लिए काफी अच्छा है। आज के प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि SSSLV-D1 मिशन के 3 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि SSSLV-D1 ने सभी स्तरों पर अपेक्षित निष्पादन किया। द फर्स्ट स्टेज परफॉर्म्ड एंड सेपरेटेड, द सेकंड स्टेज परफॉर्म्ड एंड सेपरेटेड, द थर्ड स्टेज आल्सो परफॉर्म्ड एंड सेपरेटेड एंड वी हैड इन द टर्मिनल फेज ऑफ द मिशन सम डाटा लॉस इज ऑकरिंग एंड वी आर एनालाइजिंग द डाटा and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the